मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसके 32 और 33 पद को हम आपके लिए पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, यानी यीशु मसीह अपने विषय में कह रहा है कि जो कोई लोगों के सामने मुझे मान लेगा, मुझे स्वीकार कर लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा, यानी स्वीकार कर लूंगा। 33 पद, पर जो कोई मनुष्यों के सामने यानी लोगों के सामने मेरा इनकार करेगा, यानी यीशु मसीह का इनकार करेगा, अस्वीकार कर देगा, उसे मैं भी यानी यीशु मसीह भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने न्याय के दिन यानी आपको भी इनकार कर देगा, अस्वीकार कर देगा। हालेलुया। देखिए, हम इसके पहले भी सुन चुके हैं कि दुनिया में जो कुछ भी आप जिस भी तरीके से आप जीना चाहते हैं आप जी सकते हैं। यदि आप पाप में जीना चाहते हैं, आपसे कभी भी जबरन नहीं करता, ना प्रभु यीशु मसीह जबरन करता है, ना पास्टर जबरन करता है। वो केवल आपको समझाता है वचन के द्वारा कि भाई बहन ये गलत है, ये चीजें परमेश्वर से दूर ले जाती हैं, सृष्टिकर्ता के विपरीत है ये काम, और ये वचन के खिलाफ आप काम कर रहे हैं, इसे आपको त्यागना पड़ेगा। और एक पास्टर आपको सचेत करता है कि इसके करने के द्वारा, इस पाप में जाने के कारण आप पे किस तरह प्रॉब्लम आ सकती, किस तरह आपके जीवन पर श्राप आप देख सकते हैं। अब जब वो आपको समझा देता है तो आप खुद निर्णय लेते हैं, हाँ मैं इस काम को छोड़ूंगा या नहीं छोड़ूंगा, वो आपकी मर्जी पर होता है। जब आप एक चर्च में जाते हैं, आप किसी भी चर्च में जब आप जाते हैं पहली बार नए लोगों के रूप में, तो चर्च में आपको कोई भी चीजें नहीं बोली जाती कि आपके साथ जबरन किया गया या फिर आपको लालच दिया गया, परंतु आपको वचन दिए जाते हैं, आपको समझाए जाते हैं कि परमेश्वर कौन है और आपकी जिंदगी क्या है, आपको किस तरह परमेश्वर ने बनाया अपने हाथों से, और वो आपको कितना प्रेम करता है। प्रभु यीशु मसीह आज भी आपसे कितना प्रेम करता है, आपको कितना चाहता है, ये सब बातें दी जाती हैं और आपको वचन दिए जाते हैं। फिर आपकी जिंदगी आपके हाथ में होती है कि आप अपना जीवन प्रभु के हाथ में दे दें या नहीं दे दें, वे आपके हाथ में होती है। और जितने लोगों को ये लगता है कि मुझे अपना जिंदगी यीशु मसीह को देना चाहिए, सच में मुझे यीशु मसीह प्यार करता है और मैं ये चीज़ें जो सुन रहा हूँ मैंने अभी तक कभी नहीं सुनी, ये प्यार जो मैंने अब तक पाया सच में मैंने कभी नहीं पाया, ये जिंदगी जो मैंने आज पाई महसूस की मैंने कभी महसूस नहीं किया, मैंने मसीही लोगों से वो प्रेम पाया जो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं पाया, जब आप ये सब चीज़ें सुनते और अपना जीवन दे देते हैं, तो ये आपके खुद की मर्जी है कि आप अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं। ये पास्टर ने कोई लालच नहीं दिया, ना पास्टर ने कोई जबरन किया आपके साथ। हालेलुया। अब आपके पास है, क्या आप इन दिनों में जो चीजें हो रही हैं, क्या आप इन दिनों में भी आप यीशु को स्वीकार करते हैं? क्या आप ऐसे तो नहीं है कि आज आप प्रार्थना करके घर से बाहर निकले और अपने काम को कर रहे थे, कोई आपके पास आया और आप डर के मारे बोले कि नहीं नहीं मैं यीशु को नहीं जानता, मैं पहले जाता था चर्च अब नहीं जाता, अब तो बंद हो गया, मैं प्रार्थना भी नहीं करता, मैं अपने काम से काम हूँ भैया, मुझे नहीं मतलब यीशु मसीह से, वगैरह वगैरह। जब आप मनुष्यों के डर के मारे मनुष्यों के सामने यीशु मसीह को अस्वीकार कर देते हैं, याद रखिएगा आपकी जिंदगी को प्रभु अस्वीकार कर देता है, वो आपको छोड़ देता है। एक बात याद रखें, आपने यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए आपने कोई फॉर्म नहीं भरा है कि हां मैंने रजिस्टर्ड कर दिया अपनी जिंदगी। बाइबल कहती है कि हर व्यक्ति अपनी जुबान के द्वारा अंगीकार से और मन के विश्वास के द्वारा यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर सकता है।
और जब आपने इसी जुबान से यीशु मसीह को आज के 2 साल पहले, 3 साल पहले, 1 साल पहले, 6 साल पहले, 6 महीने पहले आपने जब यीशु को जानकर अपनी जुबान से ही आपने बोला कि प्रभु मैं अपने जीवन को आपके हाथ में सौंपता हूँ, आज से तू मेरा उद्धार करता है, मैं अपने जीवन को आपके हाथ में सौंपता हूँ, पापों से मन फिराता हूँ, जब आपने अपनी जुबान से इस बात का अंगीकार किया और मन में विश्वास कर लिया कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, उसी दिन से प्रभु आपके साथ हो लिया और वो आपकी अगुवाई करने लगा और पवित्र आत्मा आपकी मदद करने लगा। सही है कि नहीं? उसी दिन से आपने प्रभु के चमत्कार को अपनी जिंदगी में आपने देखना शुरू कर दिया कि जब कभी भी आप कहीं निकलते हैं प्रभु आपकी किस तरह अगुवाई करता है, कहीं पर भी आप जाते हैं वो किस तरह आपको सुरक्षित रखता है, कोई भी काम आप करते थे किस तरह वो आपको सफलता देता है। आप पहले पाप से बच नहीं पाते थे, आप उल्टे विचार आपके मन में आते थे, ख्यालात आते थे और आपकी जुबान पर हर समय गाली के शब्द होते थे, लेकिन आज आप कैसी तरह जी पा रहे हैं वो कैसे संभव हुआ? केवल आपने जब बोला कि प्रभु आज से मैं आपको अपना जीवन देता हूं, आपको प्रभु मानता हूं, उसी क्षण से प्रभु आपकी अगुवाई करने लगा। अब आप सोचिए, एक अंगीकार से और मन के विश्वास के द्वारा जब आपकी प्रभु अगुवाई करने लगा, तो उस दिन जब आप इसी जुबान से बोलेंगे कि मैं यीशु को नहीं जानता, मैंने यीशु को छोड़ दिया, तो आप सोचिए कि आपके साथ प्रभु होगा, वो आपको छोड़ देता उसी क्षण। और आप जब उसके सामने खड़े होंगे तो आप ये नहीं कहेंगे कि प्रभु मैंने डर के मारे लोगों के अस्वीकार कर दिया था, ये प्रभु नहीं सुनता। और बाइबल कहती है कि यीशु मसीह उस समय भी, उस दिन भी आपको त्याग देगा, आपको अस्वीकार कर देगा जब आप उसे अस्वीकार कर देते हैं। यीशु को अस्वीकार करने का मतलब साफ साफ ये है कि जिस गड्ढे से आप निकाले गए उसी में आप जाने के लिए स्वीकार कर रहे हैं। जब आप यीशु मसीह को अस्वीकार कर देते लोगों के सामने, एक बात आप हमें बताएं, यीशु मसीह में क्या बुराई है कि आप उसे अस्वीकार कर देते हैं? कुछ लोग उनके लिए मैं बोल रहा हूं, क्या यीशु मसीह पाप करने वाला है? क्या यीशु मसीह की बातें आपको पाप की ओर ले जाती है? क्या यीशु मसीह की बातें आपकी जिंदगी को खराब करके रख देती है? क्या यीशु मसीह की शिक्षाएं आपको लड़ाई में उकसाती है? क्या यीशु मसीह की शिक्षाएं आपको आपके मां बाप से अलग करती है? कदापि नहीं। यीशु मसीह की बातें आपको सम्मान, आपको इज्जत, आपको प्रेम, आपको माफ करना, शांतिपूर्ण तरीके से आपको जिंदगी जीना सिखाती है। आमीन। क्योंकि प्रियजन, ये कोई धर्म नहीं है, ये जीवन है। और जब आप जीवन स्वीकार करते हैं तो वो जीवन का फल, उसका प्रतिफल आप अपनी जिंदगी में देखते हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।